क्यों नहीं उड़ रहा है? उड़ना चाहिए। राइट पैर में कितने मूवमेंट है दिखाओ। आज कौन सा दिन है सचिन? तीसरा दिन है। 7 दिन में मैं आपके पूरे मूवमेंट दूंगा। कितने मूवमेंट? पूरे के पूरे मूवमेंट दे देंगे। आज भी बहुत सारे मूवमेंट आएंगे अगर निकल में, है ना? अच्छा चलो, मुझे आप ये बताओ, देखो अब इस पेशेंट से परेशान मत होना कि बोला सर ने बोला इनको पूरे मूवमेंट आएंगे। देखो इनकी रिपोर्ट बता रही है, वो मैं नहीं बता रहा हूँ, आप समझ रहे हो? अगर आपकी भी रिपोर्ट ऐसी ही होती तो मैं सारे मूवमेंट दे देता आपको। तो हर पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर रहे हैं मूवमेंट, ध्यान रखना इस बात को। लेकिन जिस पेशेंट को जितने मूवमेंट बोले क्या उतने आए हैं? क्या आप खुश हैं? प्लीज 1.5 से 2 मंथ में जो है चीजें सारी चीजें आराम से आएंगे, है ना? अब सबसे पहले आप मुझे बताओ ये लेफ्ट में क्यों नहीं मूवमेंट आ रहे? खड़े करो इसे, वो लाओ, ठीक है? इतना ही आ रहा है? इसके ऊपर नहीं? बिल्कुल भी नहीं। नीचे हो जा, ठीक है? लेटो, अब लेटो, ये वाला पैर खड़ा करो, खड़ा करो, इतना ही करो। क्या नाम है आपका? सचिन। मूवमेंट सब आएंगे। दूसरा करो, दूसरा करो। बोलो नमामि, नमामि धनवंतरि, धनवंतरि आदि, आदि देवो, देवो। ये वाला बताओ, यहाँ इधर किस तरह? हाँ बोलो नमामि, नमामि धनवंतरि आदि, आदि देवो। दूसरा करो नमामि, नमामि धनवंतरि आदि, आदि देवो। मिलाओ, मिलाओ, फटाफट मिलाओ। अगर नहीं मिला ध्यान रखना, अगर नहीं, ये हाथ भी ऐसे करना है तब मिलता है। अगर ये वाला दूसरा वाला नहीं मिला तो फिर अग्निकम होगा। रेडी है आप दूसरी बार अग्निकम के लिए? रेडी है तो फिर तो करो, फिर मिला, मिला के दिखाओ। मिला, बहुत बढ़िया, ठीक है, चलो डन हो गया। सचिन सारे मूवमेंट मिले, बैठ जाओ, अल्टी बाल्टी मारो, बहुत बढ़िया हो गया सब मूवमेंट। अभी तो खुश नहीं होना है, अभी ध्यान रखना, मूवमेंट में सबको देखता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं, खुश नहीं होना है अभी, अभी ट्रीटमेंट बाकी है, 1.5 से 2 मंथ का ट्रीटमेंट बाकी है, डन है? अभी खुशी हो रही है थोड़ा? मूवमेंट कौन से? ये वाला तो आने भी होगी थी वैसे तो, सही बता नहीं तो अरे ना, ये सब चीजें छोड़ो, ये सब चीजें छोड़ो, दिमाग से निकालो। अभी मूवमेंट भी सारे आ गए, पहला। दूसरा जो है ये वाला पैर बाहर निकालो, ये वाला पैर अंदर निकालो, दोबारा एक्सरसाइज वो करो, आधी बाल्टी मारो, अभी वाला पैर पहले फोल्ड करो, अब मारो, 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 ठीक है। ये जो हल्का सा अटक रहा है ना, हल्का सा, यही तो मेहनत है, 1.5 से 2 मंथ का होमवर्क है आपके लिए, ये प्रॉपर चीजें करनी है। उठक उठक मार के दिखाओ और फिर चल के दिखाओ, उठक उठक मारो, बहुत बहुत बढ़िया, ठीक है। अब एक काम करो, बिना पकड़े करो, करो मारो, बहुत बढ़िया सचिन के लिए, पहले जोर डालना। तो सचिन चल के दिखाओ, मूवमेंट बताओ मुझे कैसे, फटाफट चलो, अब ए वेस्कुलर नेक्रोसिस के पेशेंट नहीं रहे आप। चलो आया, मैनेजमेंट हुआ, खुश हैं? तो ये वाली खुशी मुझे 1.5 से 2 मंथ तक की भी दिखनी चाहिए, जब प्रॉपर ट्रीटमेंट फॉलो करोगे तब चीजें आएंगी, डन है? चलो नेक्स्ट पेशेंट, बैक हो जाओ, बैक हो जाओ,
लेके आओ गिरीश, फटाफट लेके आओ, लेके आओ। सब पेशेंट को बुलाओ, एक चीजें बताने हैं। बुलाओ सारे पेशेंट को जो गए हुए हैं। डन। सबसे पहले तो आप सचिन को कहा है, राज कहा है, आप बुलाओ। तो सबसे पहले जो है, जो वेट मैनेजमेंट आपका हुआ है, आपका लगभग शुरू से शुरू करते हैं, आपका कितना किलो कम हुआ है? आपका उतना ही मेंटेन है वेट, वेट उतना ही। आपका कितना किलो कम हुआ है? दो किलो आपका कम हुआ। कितने दिन में? चार दिन में दो किलो कम हुआ है। आपका कितना कम हुआ है? आपका मेंटेन है। आपका कितना कम हुआ है? एक केजी सात दिन में। आपका कितना कम हुआ? एक केजी। तो देखिए इधर आइए, सबसे पहले वेट मैनेजमेंट का जो श्रेय जा रहा है वो डॉक्टर साहब को जा रहा है। पहले तो तालियां। सात दिन में जो है, सात दिन में चार से पांच किलो जो कम करना का जो प्रोसीजर है वो डॉक्टर साहब का फॉर्मुलेशन है। पांच से सात दिन में ही चीजें जो है वेट मैनेजमेंट बहुत अच्छा असर दे देते हैं वो। अब एवेस्कुलर नेक्रोसिस में इनकी बड़ी भूमिका है। क्यों? वेट मैनेजमेंट में वेट जब मैनेज होता है कैसे होता है, हेड ऑफ फीमर में पूरा प्रेशर पड़ता है। अगर वेट कम ना हो पेशेंट का तो प्रेशर कंटिन्यू पड़ता रहेगा। अगर हमारा सेंटर पांच से सात दिन में वेट को बहुत अच्छे से मैनेज कर पा रहा है तो वो डॉक्टर साहब का फॉर्मुलेशन है ना। सात से आठ दिन में आपका बहुत अच्छा वेट मैनेज होने वाला है ना। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं आपको इसी टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, आयुर्वेद को अपनाइए, जीवन को अपनाइए। नमस्कार।